नमस्कार। हम फिशीज में कॉडलफिन किस प्रकार की होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो अधिकांश फिश में जो एक्सियल स्केलेटन होता है, अक्षीय कंकाल होता है, वो टेल में कंटिन्यू करता है, जहां पर ये सेवरल फॉर्म्स लेता है। अधिकांश फिश में हम बात करें तो टेल एसिमेट्रिक होती है, जहां पर आपको लॉन्ग डोर्सल और स्मॉल वेंट्रल लोब जो कि एक नॉच के जरिए सेपरेट है, ये देखने को मिलेगी, जो कि एक सामान्य स्थिति आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो पोस्टीरियर एंड है वर्टिब्रल कॉलम का, वो अपवर्ड टर्न होता है। आप देख रहे हैं ये वर्टिब्रल कॉलम का पोस्टीरियर एंड अपवर्ड टर्न हो रहा है, और जो लार्ज डोर्सल लोब है उसके अंदर इंटर कर रहा है और उसका सेंट्रल एक्सिस फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह की जो टेल होती है, दिस इज कॉल्ड हेट्रोसर्कल टेल, और ये ज्यादातर फिशेज में आपको देखने को मिलेगी, लाइक स्टर्जियन में आपको देखने को मिलेगी, शार्क में देखने को मिलेगी। दूसरा जो प्रमुख प्रकार है वो है डाइफाइस सर्किल टेल। इनके विभिन्न और रूपों के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, पर जो प्रमुख प्रकार है वो डाइफाइस सर्किल टेल है। यहाँ पर जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट होता है, बैक में स्ट्रेट जा रहा है, किसी तरह अपवर्ड या डाउनवर्ड ये झुका हुआ नहीं है, और यहाँ पर जो फिन है वो इसके चारों तरफ सिमेट्रिकली डेवलप है। तो यहाँ पर कोई डोर्सल लोब, वेंट्रल लोब, स्मॉल और लार्ज ऐसा कुछ नहीं होगा, ये आपको पूरा का पूरा एक सिमेट्रिक दिखेगा, डोर्सल और वेंट्रल अबव एंड बिलो। तो ये जो है जनरली लंग फिशेस में देखने को मिलता है, लाइक पॉलिप्टेरस में आप देखेंगे डाइफाई सर्किल टेल देखने को मिलेगी। तीसरी डाइफाई सर्किल से मिलती जुलती जो है वो है होमो सर्किल, जो बाहर से एक्सटर्नली आपको डाइफाई सर्किल जैसी देखने को लग सकती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे टीलियोस्ट में ये पाई जाती है अक्सर ज्यादातर, जैसे एमिया का ये एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पर डोर्सल वेंट्रल जैसी आपको इक्वल लोब जैसी दिखेंगी, सिमेट्रिकल लोब जैसी दिखेंगी, लेकिन जो वर्टिब्रल कॉलम है वो जो डोर्सल है अपवर्ड थोड़ा सा स्लांट होते हुए ये आपको दिखेगा, जो कि डोर्सल एज जो है फिन की उसको सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो ये डोर्सल एज को सपोर्ट करता हुआ वर्टिब्रल कॉलम है। तो इस तरीके का जो टेल होती है उसको हम कहते हैं होमो सर्किल टेल, ये टीलियोस्ट में पाई जाती है। इसके अलावा आप चौथा जो प्रमुख प्रकार देखेंगे ये ऑस्ट्रेकोडर्म में पाया जाता है था, जिसमें आपको रिवर्स्ड होमो सर्किल की स्थिति देखने को मिलती है, जिसको हम हाइपोसर्किल टेल भी कहते हैं, जहां पर जो वर्टिब्रल एक्सिस है वो टेल में इंटर करता है बट डाउनवर्ड ये एक्सटेंड करता है और वेंट्रल लोब में एक्सटेंड करता है। होमो जैसे आपने हेट्रोसर्किल में देखा था वो अपवर्ड एक्सटेंड करता है और लार्ज डोर्सल और स्मॉल वेंट्रल बना रहा है, यहाँ स्थिति जस्ट अपोजिट है, यहाँ ये डाउनवर्ड इंटर कर रहा है और लार्ज वेंट्रल और स्मॉल डोर्सल बना रहा है। तो इस तरह का आपको जो स्थिति देखने को मिलती है वो ऑस्ट्रेकोडर्म्स में देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सिमेट्रिक टेल टाइप है, लाइक डाइफाइस सर्किल टेल और होमो सर्किल टेल जो है, वो अगर इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूजुअली डिराइव हुए हैं एसिमेट्रिकल हेट्रोसर्किल टेल वाले एंसेस्टर से। तो ये डाइफाई सर्किल और होमो सर्किल टेल यूजुअली उन फिशेस में देखने को मिलती है जिनके अंदर लंग्स या एयर ब्लेडर्स जैसी चीजें होती हैं जो न्यूट्रल बायंसी प्रदान करती हैं, लेकिन जिन फिशेस में लंग्स या एयर ब्लेडर्स वगैरह ऐसी चीजें नहीं होती और जहां पर लिफ्ट चाहिए होता है लाइक शार्क्स को, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो डोर्सल लोब है वो एक्सटेंडेड होती है, बड़ी होती है और हेट्रोसर्कल के रूप में होती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार थे या चार प्रकार जो कि फिशेस में पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और प्रकार भी हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, जैसे आपको ये प्रोटो सर्किल या डाइफाइस सर्किल मैंने आपको बता ही दिया, जो कि शार्क्स में, प्रिमिटिव शार्क्स में देखने को मिलता है, अभी लंग फिशेस में आपको देखने को मिलेगा डाइफाइस सर्किल, और
अगर हम प्रोटो सर्किल की बात करें तो ये साइक्लोस्टोमेट्स में देखने को मिलता है, तो मॉडिफाइड डाइफाइज सर्किल जिसके अंदर आपको एक स्मॉल मीडियन लोब देखने को मिलेगी, एपिकोडल और हाइपोकोडल जो है डोर्सोवेंट्रल लोब उनके बीच में एक मीडियन लोब भी देखने को मिलेगी, जैसे लैटिमेरिया में देखने को मिल सकती है। हेट्रोसर्कल टेल मॉडर्न साक्ष में पाई जाती है, हाइपोसर्कल टेल जैसे आपको बताया ट्रेकोडर्म्स में पाई जाती है, होमोसर्कल टेल्स ये अधिकांश टीलियोस्ट में मिलेंगी जिनमें आपको एक जो ये वेरिएशन देखने को मिल रहा है डॉर्सल और वेंट्रल लोब, ये सालमन का है और ये टूना का है जहाँ काफी ज्यादा ये बड़ी हो जाती है। एमिया में और लेपिडोस्टिसियस में ये होमोसर्किल जो है, जैसे एमिया का हमने एग्जांपल दिया था वहां पे ये डोर्सल मार्जिन को एक्चुअली उसके साथ में सपोर्ट कर रही है, बाकी ये बाहर से सिमेट्रिक नजर आ रही है, ये भी होमोसर्किल एब्रीविएटेड। इसके अलावा दो और टाइप देखने को मिल जाते हैं, आइसोसर्किल जो कि काइमेरा में देखने को मिलती है जहां पर टेल एक देखा जाए तो कोई अलग से बड़े फिन्स में रूप में नजर नहीं लगाती, वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम के चारों तरफ एक पतली सी फॉर्मेट में ये मौजूद होती है आइसो सर्किल। इसके अलावा जिफायरो सर्किल ये फ्रेस्पिस में मिलती है, यहाँ पर आपको नुकीले कांटेदार रूप में ये दिखाई देगी। तो ये टेल्स के प्रमुख प्रकार हैं, फिन्स के प्रमुख प्रकार हैं जो आपको यहाँ पर कॉडल फिन में जो फिशेज में देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।